पंड्या स्टोर में आप देख रहे हैं कि रावी और शिवा एक दूसरे से डाइवोर्स लेना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूर होकर इन्हें एक दूसरे से डाइवोर्स लेना पड़ रहा है। शो के पिछले एपिसोड में आपने देखा भी होगा कि जब कोर्ट की हेयरिंग थी तो शिवा बीच में से उठकर आ गया, मानो उसे मौका मिल गया हो अपने डाइवोर्स को लेट करने का। रावी भी नहीं चाहती कि ये दोनों तलाक देकर एक दूसरे से दूर हो। वहीं मामी ने 10 लाख रुपए मांगकर और भी ज्यादा मामला खराब कर दिया है, क्योंकि शिवा को ये गलतफहमी हो गई कि 10 लाख रुपए की मांग की गई है रावी की तरफ से, और रावी घर की सिचुएशंस को अच्छे से जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी रावी ऐसा कर रही है। पर इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेगी रावी शिवा और अपने दरमियान, लेकिन शिवा उसकी एक नहीं सुनेगा। इसीलिए रावी ने फैसला किया है कि शिवा के इस अक्खड़पन को ठिकाने लगाने के लिए वो एक मास्टर प्लान बनाएगी। जब धरा सही सलामत घर वापस लौट कर आ जाएगी तो शिवा का मनाने के लिए, शिवा की अकल ठिकाने लाने के लिए रावी का ये मास्टर प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। रावी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शिवा को प्यार का एहसास दिलवाने वाली है। रावी अपने कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स से, जो कि बॉयफ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेगी और शिवा के सामने जानबूझकर ऐसे प्रटेंड करेगी जैसे कि रावी इन लड़कों में वाकई में दिलचस्पी रखती हो। अब क्या है, अब तो शिवा का जेलसी लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। वो गुस्सा तो खूब करेगा लेकिन अपने दिल की बात जुबान पर नहीं आने देगा। पर एक वक्त ऐसा आएगा जब रावी का ये प्लान सक्सेसफुल भी होगा और शिवा के दिल की बात उसकी जुबान पर भी आएगी। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल पंड्या स्टोर में आने वाले इस बहुत ही धमाकेदार ट्रैक को देखने का, किस तरह से रावी और शिवा की एक खट्टी मीठी नोक झोंक इनके प्यार में बदलती हुई आती है नज़र।